लखनऊ में प्रसार भारती के कर्मचारी और अधिकारियों ने कट ऑफ डेट के आधार पर देशव्यापी शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। ज्वाइंट एक्शन फोरम फॉर प्रसार भारती एम्प्लॉयज की ने 5 अक्टूबर की तारीख को काला दिवस के रूप में भी मनाने की घोषणा की, क्योंकि इसी तारीख के बाद चयनित हुए कर्मचारियों के साथ में प्रसार भारती ने भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। देश भर में सैकड़ों की संख्या में प्रसार भारती के कर्मचारी और अधिकारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन में शामिल हुए। आज की तारीख है 5 अक्टूबर और 5 अक्टूबर 2007 एक ऐसी तारीख है दूरदर्शन और आकाशवाणी के इतिहास में जिसमें इस तारीख के पहले जो लोग रिक्रूट हुए उनको तो भारत सरकार के कर्मचारी का दर्जा दिया गया, लेकिन जो इसके बाद कर्मचारी रिक्रूट हुए उनको प्रसार भारती का दर्जा दिया गया। और केवल दर्जे की ही बात नहीं है, प्रसार भारती का दर्जा देकर हम कर्मचारी जो प्रसार भारती कर्मचारी हैं हमको हमारे ग्रेड पे लोअर कर दिए गए, हमारे वेतन में जो है विसंगतियां हैं, हमारे को ग्रुप इंश्योरेंस नहीं मिलता है, हमारी जो पेंशन है वो एनपीएस में है जबकि पुराने लोगों को पुरानी पेंशन दी जा रही है। इस कारण हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है। हम लोग लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक उसी तरह कार्य करते हैं जैसे कि भारत सरकार के कर्मचारी करते हैं। हम लोग अपनी पूरी तन्मयता से काम करते हैं, पूरी लगन से काम करते हैं, लेकिन फिर भी जब हमारे वेतन में विसंगतियां होती हैं, हमको मिलने वाली सुविधाएं कम होती हैं, तो ये हम लोग को बहुत अंदर तक आक्रोशित कर दी जाती है। पिछले दिनों हमारे एक साथी की मृत्यु हो गई और उसमें जो उसके परिवार को बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे पुरानी पेंशन योजना के अनुसार वो भी नहीं मिल रहे हैं। इस कारण से पूरा मतलब देश भर में ये आक्रोश फैल गया, जिस कारण आज 5 अक्टूबर को हम लोगों ने दूरदर्शन केंद्र लखनऊ सहित पूरे भारतवर्ष में काला दिवस मनाने का निर्णय लिया। और हम सभी प्रसार भारती कर्मचारी अपने लोगों के लिए समान वेतनमान और समान सुविधाओं की मांग करते हैं जो कि भारत सरकार के कर्मचारियों को दी जाती है।